दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आव द क्वालमिक्स में। दोस्तों आज हम आप लोगों को ये जो पौधा दिखा रहे हैं जो सड़क के किनारे लगा हुआ है, ये पौधा सरपुंखा का पौधा है और इसे आप लोग देख करके पहचान सकते हो आसानी से। हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इसके ऐसे जानकारियां आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसे हम लोगों ने आजमा के देख चुके हैं और आप भी इसे आजमा करके देख सकते हो। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, आज मैं आप लोगों को इसके ज़बरदस्त फ़ायदे बताने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। तो चलिए दोस्तों बता आते हैं ये जो सरपुंखा का पौधा है इसके बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों ये जो सरपुंखा का पौधा है इसकी पत्तियों को तोड़ने से सर्प के मुख के समान तिरछा कटता है, शायद इसलिए इसे सरपुंखा कहा जाता है। इसमें नीले कलर का फूल आता है छोटा छोटा। इसका पौधा जो है नील के पौधों के समान दिखाई देता है। कई लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये नील का पौधा है या सरपुंखे का पौधा। तो नील का पौधा जो है उसके पत्ते को तोड़ने से सीधा कटता है और ये सरपुंखा का पौधा को तोड़ने से तिरछा कटता है जो सर्प के मुख के समान दिखाई देता है। तो आप इसे इस तरह से प्रयोग करके पहचान सकते हो। दोस्तों यह नील का पौधा नहीं है, यह सरपुंखा का पौधा है। आप इसे देख करके पहचान लीजिए, सड़क के किनारे लगा हुआ मिल जाएगा आपको या फिर कहीं भी दिखे तो आप इसे पहचान के देख करके फ़ायदे ले सकते हो। आज मैं आप लोगों को जो फ़ायदे बताने जा रहा हूँ वह आजमाया गया है हम लोगों के द्वारा और इसका रिजल्ट जो है हमें बहुत अच्छा मिला है, इसलिए आज इसकी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इस सरपुंखे का पौधा का एक संस्कृत नाम है प्लिया शत्रु। तो आप समझ सकते हो प्लिया शत्रु क्यों पड़ा है इसका नाम, क्योंकि यह पीलिया के रोगों को जड़ से नष्ट कर देता है। जिस किसी भी भाई बहन को यदि पीलिया हो जाता है तो आप इसके पूरे पंचांग का यानी जड़ तना फूल पत्ती सबको उखाड़ करके कूट करके इसको काढ़ा बना करके यदि आप उसको पिलाते हो पीलिया के रोगी को, तो बहुत ही जल्द अति शीघ्र इससे आपको पीलिया से मुक्ति मिल जाएगी। इसके काढ़ा का सेवन करने से तो आप पीलिया के मरीज को इसके काढ़ा बना करके पिला करके उन्हें पीलिया के रोग से मुक्त कर सकते हो। तो इस तरह से यह पीलिया रोग को जड़ से ख़त्म करने वाला एक महान पौधा है। तो आप इसे देख करके पहचान के उपयोग कर सकते हो। दोस्तों इसके पत्तियों को, सरपुंखा के पत्तियों को यदि आप अर्जुन की छाल के साथ काढ़ा बना करके लेते हो तो आपके दिल दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक का काम करता है। यह बहुत ही अच्छा काढ़ा होता है हमारे शरीर की जितनी भी हृदय की प्रॉब्लम है उन्हें दूर करने के लिए। तो आप अर्जुन के छाल के साथ इसकी पत्तियों का काढ़ा का सेवन करके अपने दिल को मजबूत बना सकते हो। यह दिल के लिए भी बहुत ही अच्छा कार्य करता है, हृदय को मजबूती प्रदान करता है। तो आप इस तरह से दिल को, हृदय को मजबूत बनाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हो अर्जुन के छाल के साथ काढ़ा बना करके। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसके एक ज़बरदस्त फ़ायदे बता रहा हूँ जो कि हम लोगों के द्वारा आजमाई गई है। तो इसकी पत्तियों को दोस्तों हमारे ग्रामीण वनांचल क्षेत्रों में जो महुआ का शराब होता है, महुआ का दारू होता है, उसके साथ इनकी पत्तियों को पीस करके अच्छे से पेस्ट बना करके यदि आप अपने सर के बालों पर लगाते हैं, सर में पूरी तरह से इसको उंगली की सहायता से दबा दबा करके अच्छे से रगड़ रगड़ के लगाते हैं और आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद आप हल्के गुनगुने पानी के साथ अपने सर के बालों को धो लेते हैं अच्छे से। तो इस तरह से लगातार सिर्फ 3 दिन तक प्रयोग करने पर आपके सर के जितने भी डैंड्रफ रूसी जुएं रहेंगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और आपका मस्तिष्क एकदम फ्रेश हो जाएगा और आपको हल्का लगने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से प्रयोग करके आप सर के जितने भी जुएं हैं, जितने भी डैंड्रफ हैं, जितने भी खराबियाँ हैं उनको आप आसानी से धो सकते हो। इनकी पत्तियों को सिर्फ शराब के साथ आपको पीस करके सर पे लगाना है और इसको आधे घंटे बाद धो देना है। इस प्रयोग को करने से आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इसको हम लोगों ने खुद आजमा के देखा है और बहुत ही कमाल की इसका असर होता है। तो आप भी इससे फ़ायदे ले सकते हो। दोस्तों अपने सर के बालों को धो सकते हो, सर को अच्छे से इसकी सफाई कर सकते हो इसके प्रयोग से। तो आप इसका ज़रूर प्रयोग कीजिए, हम लोग ने आजमा के देख चुके हैं और आप भी आजमा के देख सकते हो। दोस्तों इस सरपुंखा की पत्तियों का एक और आजमाया हुआ फ़ायदा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि हमारे द्वारा आजमाया गया है। क्या हुआ कि हम लोग एक बार 2-3 दोस्त मिल करके एक बाइक में सवार होकर के कहीं जा रहे थे, 2-3 वर्ष पहले की बात है। तो अचानक हम लोगों का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें हम लोगों को ज़्यादा खरोच नहीं आया, लेकिन ज़मीन पे गिरने की वजह से हम लोगों की जो अंदरूनी चोटें हैं वो आई थी, पैर में हाथ में सूजन आ गया था और दर्द हो रहा था। तो मैंने वहाँ सड़क के किनारे ये सरपुंखा का पौधा देखा, तो मैं इस सरपुंखे के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान रहा था, पढ़ा था।
तो मैं सोचा कि इसकी पत्तियों को चलो पीस करके लगा करके देखते हैं, दर्द शायद कम हो जाए। तो हम लोगों ने वैसा ही किया, इसकी पत्तियों को तोड़ करके वहाँ पे पत्थर ढूंढ करके उस पत्थर में अच्छे से इसका कुटाई करके पिसाई करके उसको लेप बना करके जहाँ सूजन था दर्द था वहाँ पे लेप किए और रुमाल जो पकड़े थे उसको वहाँ पे बांध दिए। इस तरह से बांधने के बाद हमने वहाँ पे 10-15 मिनट आराम किए तो उसके बाद हमने देखा कि जहाँ दर्द था सूजन था जब हम लड़खड़ा के चल रहे थे उस हालत में थे जब अच्छे से चल नहीं पा रहे थे वहाँ हमें अच्छा से आराम मिल गया और हम लोग फिर से जैसे थे वैसे हो गए और अच्छे से चल करके घर वापस आ गए। तो इस तरह से असर करता है दोस्तों इसके पत्तियों को यदि पीस करके सूजन और दर्द वाली जगह पे लगाओगे तो। तो देखा दोस्तों अपने ये सरपुंखा का जो पत्तियों का फ़ायदा है कितना असरदार है, कितना ज़बरदस्त है। आप भी इसकी पत्तियों से इसके पूरे पंचांग से फ़ायदे लेकर के अपने जीवन में सेहतमंद स्वस्थ रह सकते हो और कभी भी ज़रूरत पड़े तो आजमा करके देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में मिलते हैं किसी और जानकारी भरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।